एवरीवन, ये है झारखंड। इन द ईयर 2000 बिहार से झारखंड सेपरेट हुआ था और एक अलग स्टेट बन गया था। 2000 से पहले झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो 2000 के बाद से झारखंड का एक अपना अलग जुडिशरी का एग्जाम होता है। तो चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। मैं आज फिर से आई हूँ हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ और आज जो मैं स्टेट टेकअप करने वाली हूँ वो है झारखंड। So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। जैसे हर सिविल जज का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, लाइकवाइज झारखंड का भी होता है। पहला राउंड प्रिलिमिनरी है, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और फाइनल राउंड इज इंटरव्यू। अब एक एक करके इन राउंड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम पे। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करते हैं। इसका पैटर्न इस तरीके से होगा कि प्री का एक पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर होगा और इस पेपर को अटेंड करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से गेस वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस इसका डिवाइडेड है इस तरीके से। इसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल इंग्लिश 10th लेवल तक की ग्रामर पढ़िए आप। जनरल स्टडीज में क्या क्या आएगा, स्टैटिक जीके आएगा और करंट अफेयर्स आएंगे। उसके बाद लॉ के सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, तो कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में सिलेबस थोड़ा सा कम है। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, इंडियन पीनल कोड। अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ जो कि है मेंस एग्जामिनेशन। अगेन इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। पैटर्न क्या है, पैटर्न डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। टोटल 4 पेपर होंगे, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो मेन्स के मार्क्स होंगे वो होंगे 400 और टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 3 घंटे। हर पेपर लिखने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब आते हैं सिलेबस। इसमें 4 पेपर होंगे, पेपर 1, 2, 3, 4। इनको आप डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है पेपर 1 का वो इस तरीके से। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सीपीसी से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। अब चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ जो कि है पेपर 2। पेपर 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ जो कि है पेपर 3। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, दैट इज फैमिली लॉ, रेंट कंट्रोल एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब चलते हैं 4th पेपर की तरफ जो कि लास्ट पेपर है और लैंग्वेज पेपर है। ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसे लिखने के लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको लिखने के लिए आएगा ऐसे जिसका टॉपिक आपको अलॉटेड रहेगा, आपको उस पर ऐसे लिखना है। प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेजिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे इसके क्वेश्चंस और आपको अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ जो कि है इंटरव्यू का राउंड और फाइनल राउंड। ये 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इन्होंने पहले से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किए हुए हैं। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स स्कोर करने हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो मिनिमम आपको 20% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में इन होंगे। प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स इन टोटल में नहीं इंक्लूड होंगे। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर के आपका एग्रीगेट मेरिट लिस्ट बनेगी। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्वेश्चंस जनरल होंगे, आपके एकेडमिक्स पे क्वेश्चन होंगे, आपके लीगल नॉलेज, आपके सोशल नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों को जज किया जाएगा। और अगर आप झारखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ झारखंड स्टेट के बारे में पढ़ के जाइए, सारे करंट इवेंट्स पढ़ के जाइए। और चूंकि पहले ये बिहार का पार्ट था तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप बिहार के बारे में भी रखिए, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो ये था मेरा वीडियो झारखंड सिलेबस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनमें से किसी से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।